नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है परिचय हिंदी साहित्य चैनल में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रीतिकाल के 60 प्रश्नों को लेकर बनाया गया वीडियो है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जानते हैं आगे क्या कहना चाहिए, मतलब लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें तो आपकी इच्छा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रस रहस्य पुस्तक की रचना किसने की? रस रहस्य पुस्तक की रचना कुलपति मिश्र ने की। रस रहस्य पुस्तक की रचना कुलपति मिश्र ने की। चलिए, विजय विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? विजय विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? ग्वाल कवि ने विजय विनोद ग्रंथ की रचना की। ग्वाल कवि ने विजय विनोद ग्रंथ की रचना की थी। हमीर हट ग्रंथ की रचना किसने की? तो हमीर हट ग्रंथ की रचना ग्वाल कवि ने की थी। ग्वाल कवि ने हमीर हट ग्रंथ की रचना की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। सुधा निधि ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो उस कवि की ये रचना है सुधा निधि, और इन कवि का नाम तोस निधि भी आपको देखने को मिलेगा। तो सुधा निधि के रचनाकार तोस कवि हैं। नवरस तरंग ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। नवरस तरंग ग्रंथ के लेखक का नाम बेनी परवीन है। परवीन इनकी एक उपाधि है, बेनी इनका मूल नाम है। बेनी परवीन का ग्रंथ है नवरस तरंग। अगला है अंग दर्पण। अंग दर्पण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो रसलीन की पुस्तक है, और आपने व्याख्याता परीक्षा में भी इसको देखा होगा अंग दर्पण को। बिहारी सच्चाई की रतन चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? रतन चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? तो ये लिखी थी प्रताप साई ने। प्रताप साई ने रतन चंद्रिका नाम से बिहारी सच्चाई की टीका लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचना किसने की? व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचना प्रताप साई ने की। प्रताप साई ने व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचना की, प्रताप साई ने। चलिए, अलंकार चिंतामणि, श्रृंगार शिरोमणि, जयसिंह प्रकाश, काव्य विनोद, जुगल नक्षिक ग्रंथों की रचना किसने की? तो अलंकार चिंतामणि, श्रृंगार शिरोमणि, जयसिंह प्रकाश, काव्य विनोद, जुगल नक्षिक ग्रंथों की रचना किसने की? तो इसका उत्तर है प्रताप साई ने। और दोस्तों, और अधिक वीडियो देखने के लिए आप भास्कर बीरबल सिंह या भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन चैनल पर भी आप आराम से हिंदी साहित्य के वीडियो देख सकते हैं। चलिए, फूल मंजरी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचना के रचनाकार का नाम है मतीराम। फूल मंजरी रचना के रचनाकार का नाम है मतीराम। वृत्त कौमुदी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वृत्त कौमुदी रचना के रचनाकार का नाम है मतीराम। मतीराम की रचना है वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है। छंदसार संग्रह के लेखक का नाम बताइए। लेखक तो क्या कहेंगे, कवि कहेंगे। तो ग्रंथ के रचनाकार का नाम है मतीराम। छंदसार संग्रह के जो कवि हैं वो मतीराम हैं। मतीराम की रचना है छंदसार संग्रह। चलिए, वर वधु विनोद की रचना किसने की? वर वधु विनोद की रचना कालिदास त्रिवेदी ने की। वर वधु विनोद की रचना कालिदास त्रिवेदी ने की। रामचंद्राभरण की रचना किसने की? रामचंद्राभरण की रचना गोप कवि ने की। रामचंद्राभरण की रचना गोप कवि ने की। चलिए, अलंकार चंद्रोदय
ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रसिक सुमति का ग्रंथ है, अलंकार चंद्रोदय। अगला प्रश्न है, दूल्हे के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो अलंकार ग्रंथ का नाम है कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण दूल्हे की रचना है, एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न, और अलंकार ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, छंदोरिदे प्रकाश की रचना किसने की। छंदोरिदे प्रकाश की रचना किसने की, तो ये मुरलीधर भूषण ने की। अपना हिंदी साहित्य का वीरस का जो ओजस्वी कवि जिसको कह सकते हैं भूषण है, वो नहीं है, ये मुरलीधर भूषण है। चलिए आगे, अपना प्रश्न है, बारह मासा नयन पचीसी पवन पचीसी श्रृंगार शिक्षा और भाव पंचाशिखा यमक सतसई ग्रंथों की रचना किसने की। तो बारह मासा नयन पचीसी पवन पचीसी श्रृंगार शिक्षा भाव पंचाशिखा यमक सतसई ग्रंथों की रचना किसने की। तो ग्रंथों की रचना है वो वृंद कवि ने की। वृंद कवि ने इन ग्रंथों की रचना की। चलिए, विरह लीला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विरह लीला रचना के रचनाकार का नाम घनानंद है। प्रेम की पीर के कवि घनानंद, और घनानंद की रचना है विरह लीला। कोकसार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये रचना भी घनानंद की रचना है, कोकसार, और रचनाकार घनानंद। घनानंद का जन्म कब हुआ, तो संवत 1746 के लगभग। गणानंद का जन्म है संवत 1746 के लगभग हुआ था। अगला है, आलम केली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आलम केली, आलम केली आलम की रचना है। आलम केली रचना के रचनाकार आलम है। अगला है, माधवानल काम कंदला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। माधवानल काम कंदला रचना के रचनाकार आलम कवि है। आलम कवि की रचना है माधवानल काम कंदला। काव्य सरोज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य सरोज रचना के रचनाकार का नाम श्रीपति है। श्रीपति की रचना है काव्य सरोज। कवि कलक ध्रुम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये श्रीपति की रचना है कवि कल्प ध्रुम। श्रीपति की रचना कवि कल्प ध्रुम, और ऊपर हमने देखा था कवि कुलकंठा वरण। चलिए, अनुप्रास विनोद सरोज कलिका रस सागर विक्रम। तो अनुप्रास विनोद सरोज कलिका रस सागर और विक्रम विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये श्रीपति की रचनाएं हैं, एक बार पुनः देख लीजिएगा। अनुप्रास विनोद सरोज कलिका रस सागर विक्रम विलास रचना के रचनाकार का नाम श्रीपति है। अब अगली रचना है कंठा भूषण, और ये रचना है वो प्राप्त तो नहीं हुई लेकिन इसका उल्लेख मिलता है। कंठा भूषण रचना के रचनाकार भूपति हैं। भूपति की रचना मानी जाती है कंठा भूषण। चलिए, नरेंद्र भूषण अलंकार ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। नरेंद्र भूषण अलंकार ग्रंथ के रचयिता का नाम मान कवि है, और ये मान कवि की रचना है नरेंद्र भूषण। विष्णु विलास भैरव छंद में लिखी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विष्णु विलास भैरव छंद में लिखी रचना के रचनाकार लाल कवि हैं। ये लाल कवि की रचना है, रीतिकाल के लाल कवि हैं, उनकी रचना है विष्णु विलास। रत्न हजारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये रस निधि की रचना है रत्न हजारा। चलिए आगे, महाराजा छत्रसाल की आज्ञा से 76 दशक की रचना किसने की। महाराजा छत्रसाल की आज्ञा से 76 दशक की रचना किसने की। तो यह है लाल कवि। लाल कवि ने 76 दशक की रचना की 76 साल की आज्ञा से।
सुजान चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की? एक तो है चरित, सुजान चरित अलग है, चरित्र अलग है, तो सुजान चरित ग्रंथ की रचना सुदन ने की थी, सुदन ने सुजान चरित्र ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है, श्याम स्नेही ग्रंथ की रचना किसने की? श्याम स्नेही ग्रंथ की रचना किसने की? आलम ने श्याम स्नेही ग्रंथ की रचना की। विरह वारिस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विरह वारिस रचना के रचनाकार का नाम बोधा है, बोधा की रचना है, प्रसिद्ध रचना है विरह वारिस। सुजान सागर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सुजान सागर, तो सुजान सागर रचना के रचनाकार का नाम है घनानंद, घनानंद की रचना है सुजान सागर। और आगे एक कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है, भारती भूषण ग्रंथ की रचना किसने की? भारती भूषण ग्रंथ की रचना गिरिधर दास ने की थी, गिरिधर दास ने की थी। गिरिधर कवीराय अलग हैं, उन्होंने कुंडलियों की रचना की, कुंडलियां लिखी उन्होंने, और ये गिरिधर दास हैं, गिरिधर कवीराय अलग हैं, तो इन्होंने भारती भूषण ग्रंथ की रचना की। अलंकार प्रकाश की रचना किसने की? तो मुरलीधर भूषण ने अलंकार प्रकाश की रचना की, अलंकार प्रकाश की रचना मुरलीधर भूषण ने की। नेक्स्ट है, जंजीराबंद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जंजीराबंद रचना के रचनाकार का नाम कालिदास त्रिवेदी है, तो ये कालिदास त्रिवेदी की रचना है जंजीराबंद। कवि दर्पण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कवि दर्पण रचना के रचनाकार ग्वाल कवि हैं, ये ग्वाल कवि की रचना है कवि दर्पण। दशीबिसा ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। दशीबिसा, दशीबिसा ग्रंथ के रचनाकार का नाम है ग्वाल कवि, ग्वाल कवि की रचना है दशीबिसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा? तो उत्तर है केशवदास को, केशवदास को उन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा। केशवदास किस प्रकार के आचार्य थे? अलंकारवादी आचार्य थे, केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। अगला, केशवदास की किस रचना को, सॉरी, केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ये कहा जाता है रामचंद्रिका को, और ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना एक ही रात में की गई थी। चलिए, केशवदास किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा होगा, और था नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में। केशवदास किसके दरबारी कवि थे या रहते थे, किसके दरबार में रहते थे, ऐसा पढ़ लीजिएगा आप। छंदमाला ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। छंदमाला ग्रंथ के रचनाकार का नाम केशवदास है, केशवदास का ग्रंथ है छंदमाला। आचार्य देव की किस रचना में भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है? आचार्य देव की किस रचना में भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम में। और एक रचना नाभादास की भी अष्टयाम है, लेकिन वो अलग है, और ये है वो आचार्य देव की रचना है, और इसमें भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अष्टयाम यानी आठों पहर। आचार्य देव की किस रचना में काव्य के स्वरूप का वर्णन मिलता है? शब्द रसायन में, यानी शब्द अर्थ वाक्य रस, इनका जो है काव्य का जो स्वरूप होता है, भाषा शैली, इनका सारा जो है वो शब्द रसायन में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य देव के संगीत विषय ग्रंथ का नाम बताइए। संगीत विषय ग्रंथ का नाम राग रत्नाकर है, राग रत्नाकर है वो संगीत विषय ग्रंथ का नाम है, राग रत्नाकर।
आचार्य देव के आध्यात्म संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो ये प्रश्न है वो बहुत पहले कई साल पहले एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा था और इसका नाम है देव शतक। आध्यात्म संबंधी ग्रंथ का नाम देव शतक है। रस भेद संबंधी आचार्य देव के ग्रंथ का नाम बताइए। रस भेद संबंधी आचार्य देव के ग्रंथ का नाम भाव विलास है। रस भेद संबंधी आचार्य देव के ग्रंथ का नाम भाव विलास है। चलिए आगे, श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित देव के ग्रंथ का नाम बताइए। तो देव के ग्रंथ का नाम है देवचरित। देवचरित इनके ग्रंथ का नाम है, श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। अगला है, आचार्य देव की विषय वासना के तिरस्कार करने वाले ग्रंथ का नाम बताइए। विषय वासना के तिरस्कार करने वाले ग्रंथ का नाम है प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका इनका ग्रंथ है। अगला है, विष्णु पुराण भाषा भिखारी दास की किस शैली में लिखी हुई रचना है। दोहा चौपाई शैली में लिखी हुई रचना विष्णु पुराण भाषा है, वो भिखारी दास की दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, रीति काल में दोहा चौपाई शैली में है, यह ध्यान में रखना। केशव दास की रचना कवि प्रिया में कितने अध्याय हैं। 16 अध्याय हैं। 16 अध्याय केशवदास की रचना कवि प्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, केशवदास ने राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की। कवि प्रिया की रचना की उन्होंने राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए। अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की। अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की। सुखदेव मिश्र ने अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना की। सुखदेव मिश्र। चलिए, अलंकार दर्पण, रस निवास, जुगल विलास। रस विलास है भैया, जुगल विलास की रचना किसने की। अलंकार दर्पण, रस विलास और जुगल विलास की रचना किसने की। महाराज राम सिंह ने। तो अलंकार दर्पण, रस विलास, जुगल विलास की रचना किसने की। महाराज राम सिंह ने की थी। चलिए, प्रबंध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया। महाराज जसवंत सिंह ने। महाराज जसवंत सिंह ने, और इनकी प्रसिद्ध रचना है भाषा भूषण, जो इस बार परीक्षा में पूछा भी गया था प्रश्न। मतीराम ने ललित ललाम ग्रंथ की रचना किसके आश्रय में की। मतीराम ने ललित ललाम ग्रंथ की रचना किसके आश्रय में की। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का वीडियो काफी बड़ा हो गया इस चैनल के हिसाब से, इसमें बहुत छोटे छोटे वीडियो चलते हैं लेकिन काफी बड़ा हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और कमेंट तो जरूरी कर दें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।